चलें ये तो अब देखते हैं ड्यूटी फ्री टोबैको। बॉक्स के ऊपर लिखा है स्मोकिंग किल्स, बट इसके बावजूद कितने शौक से लोग स्मोकिंग करते हैं, इवन कि पता है कि ये जान जी। तो व्यूअर्स कैसी लगा आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स एंड आईफोन 14 प्रो का रिव्यू, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राइस भी मैंने आपको बता दिया इन डिटेल, और बाकी भी मैंने रिव्यू करा दिया आपको, सैमसंग भी हवावे भी करा दिया। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी मेरे पास कि उसका रिव्यू करें, तो मैं आज यहाँ से गुजरा दुबई, तो मैंने कहा मैं स्पेशली इसका रिव्यू करके यहाँ से जाऊँगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो बारे में आसानी आपका फिर से मुझे दी जाए। चलें ये तो अब देखते हैं ड्यूटी फ्री टोबैको, चल के सिगरेट चेक करते हैं। देखें बॉक्स के ऊपर लिखा है स्मोकिंग किल्स, बट इसके बावजूद कितने शौक से लोग स्मोकिंग करते हैं, इवन कि पता है कि ये जानलेवा है। प्राइस वाइज आप देख सकते हैं 6.94 US डॉलर एक पैक है। गैप फ्लेवर है इसमें, अच्छा ये कोई नई ब्रांड है जो पाकिस्तान में नहीं देखी मैंने। अंगूरों का टेस्ट ठीक है जी, वाइट फ्लैश, यहाँ बड़ी पैकिंग में है वही चीज़, नीचे जार भी हैं बड़े बड़े। विंस्टोन, ये सारी विंस्टोन के पड़े हुए हैं सिगरेट। इसी तरह ये सारे रैक आपको सिगरेट्स के नज़र आएंगे, वो आगे भी यही है सिगरेट। कितना मोटा मोटा लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, ग्रेट एंड ब्रिटिश। अच्छा जी ये आ गए गोल्ड लीफ जो बड़े फेमस है पाकिस्तान में, हर बंदा अफोर्ड कर लेता है इसलिए हर बंदे की पहुंच में है, ठीक है जी। इसके साथ ही ये कौन सी है बेंसन, अच्छा यहाँ आगे चलें, ये मेलब्रो साइड वे, ये सारा डिस्प्ले मेलब्रो का, मेलब्रो रेड, ये डॉनहिल मेलब्रो वाइट, सॉरी मेलब्रो गोल्ड, ओके मेलब्रो विस्टा, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। ये विंस्टोन की सारी डिस्प्ले है इधर, चलें जी स्मोकिंग एरिया हो गया कवर, स्मोकिंग आपको दिखा दी है यहाँ की सारी। चले अब आगे निकलते हैं, गेट मेरा किधर रह गया मुझे याद ही को नहीं रहा, गेट की तरफ तो मैं गया ही नहीं। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं कुवैत एयरपोर्ट पे घूमते हुए, और इतना शोर शराबा है, इतनी ट्रैफिक, इतने लोग आ जा रहे हैं, यकीन मानो मेरा सर दर्द करने लग गया था। जस्ट यहाँ पहुँच के मुझे थोड़ा सा कुछ सुकून फील हुआ है, इस जगह पे थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ हूँ, यहाँ थोड़ा सा कोई पीसफुल माहौल है, थोड़ा सा सुकून। ये देखें मैं आपको बैक साइड भी दिखाता हूँ, लोग कुछ नीचे बैठे हैं बड़े रिलैक्स सुकून में, यहाँ इतनी पब्लिक नहीं है, क्राउड नहीं इतना। दूसरी साइड पे तो छोड़ बात है, इतना हंगामा था कि मैं यहाँ आया तो मैं रिलैक्स हो गया, तो मैं यहाँ खड़ा हो गया ये वीडियो शूट करने के लिए कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँ। तो चले मैं अपने गेट के पास आ गया, कितने सुकून से लोग बैठे हैं आराम से, यहाँ आके कुछ सुकून फील हुआ है मुझे कि कुछ पुरसकून जगह है, अदरवाइज तो पीछे 2 घंटे बहुत ही बुरा हाल हुआ है। अच्छा इस साइड पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, कोई काम शाम हो रहा है इधर, ये इन्होंने एरिया ब्लॉक किया हुआ है, इस साइड पर नहीं जा सकते आगे। चल जी 29 किधर गया, ये 30-31 आ गया। अच्छा यहाँ से
इस साइड पे जाके ऊपर जाना है 29 में, बिल्कुल ये गेट यहाँ लास्ट पे आ गया, बिल्कुल लास्ट पे एयरपोर्ट के आगे। चले आए मैं आपको एयरक्राफ्ट दिखा के लाता हूँ, एक बोइंग उधर बिल्कुल रेडी है टेक ऑफ के लिए, उसको थोड़ा देख के आते हैं।